नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक साधु महाराज श्री रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। साधु महाराज का नियम था रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते और फिर एक घंटा प्रवचन करते। एक वकील साहब थे जो हर रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, हमें भी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं क्या उस पर हनुमान जी आकर सचमुच विराजते हैं। साधु महाराज ने कहा, हाँ यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ राम कथा हो रही हो हनुमान जी वहाँ अवश्य ही पधारते हैं। वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, हनुमान जी यहाँ आते हैं इसका आप कोई सबूत दीजिए, आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने उन्हें समझाया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए, यह तो भक्त और भगवान के बीच का अटूट प्रेम है और ये मेरे व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर देता हूँ या फिर आप कथा में आना छोड़ दीजिए। लेकिन वकील साहब नहीं माने, वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात अन्य स्थानों पर भी जहाँ आप प्रवचन सुनाते हैं आपने कही होगी, इसलिए महाराज आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा और दोनों के बीच मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं उसका सबूत मैं आपको कल दिखाऊंगा, कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ आप उस गद्दी को अपने घर ले जाना, कल अपने साथ उस गद्दी को फिर लेकर आना और कल मैं ये गद्दी यहीं रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप उस गद्दी को उठाना। यदि आपने उस गद्दी को ऊंचा कर दिया तो समझना हनुमान जी नहीं हैं। वकील साहब इसके लिए तैयार हो गए। महाराज ने कहा, हम दोनों में से कल जो पराजित होगा वो क्या करेगा इसका निर्णय भी अभी कर ले, यह तो सत्य और आस्था की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची नहीं कर सका तो वकालत छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊंगा, लेकिन अगर आप पराजित हो गए तो आप क्या करोगे। साधु ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का सेवक बन जाऊंगा। फिर क्या था, अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हो गई। जो लोग रोज कथा सुनने नहीं आते थे वो भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफी भीड़ हो गई, पंडाल भी पूरा भर गया। श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे, गद्दी भी रखी गई। महात्मा जी ने पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को याद किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज की आंखों से आंसू बह उठे। मन ही मन साधु महाराज बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की आप लाज रखिएगा। फिर उन्होंने वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए इस गद्दी को ऊंची करके दिखाइए। लोगों की निगाहें उस दृश्य पे जम गई। वकील साहब खड़े हुए और उन्होंने उस गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया।
लेकिन वो गद्दी को स्पर्श भी नहीं कर सके, जो भी कारण रहा हो। लेकिन उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया और वो 3ों बार ही असफल रहे। महात्मा जी सब देख रहे थे। गद्दी को ऊंचा करना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके और 3ों बार ही वकील साहब पसीने से तर बतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और उसके बाद वकील साहब साधु के चरणों में नतमस्तक हो गए। कहते हैं ना कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु भी उस पत्थर में आकर विराजते हैं। पवन तने संकट हरण मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।